इसके अंदर मैंने 5 गाने गाए हैं और सारे डिफरेंट जॉनर्स के हैं. इसके अंदर सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डांसिंग नंबर भी है, तो काफ़ी रॉक रॉक जॉनर्स भी हैं, सॉफ्ट रॉक भी है. तो बेसिकली मैं कहूँगी कि बहुत सारे जॉनर्स के सॉन्ग मुझे गाने का मौका मिला इसके अंदर. सबसे पहले तो मुझे उसका फील, बेसिकली लिरिक्स, फील, कॉम्पोजिशन कैसे हैं, ये सब सुन के और पता करके कि एक्चुअली मुझे पता चले कि मैं क्या इमोट करने वाली हूँ. और जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो फिर कोई भी गाना बन नहीं सकता. तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि मैं लिरिक्स और फील पहले समझूँ. जी मैं सोनू जी, लता मंगेशकर जी और फ्रेडी मर्करी, इन लोगों को मैंने बहुत फॉलो किया है. तो मैं जैसा सॉन्ग रहता है मैं ज़रूर एक बार कोशिश करती हूँ कि वैसा सोचने का कि आखिर वो गाते तो कैसा गाते और कैसे मैं इमोट करूँ. जी नहीं नहीं मैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं करती. एक्चुअली मैं जितनी सिंप्लिसिटी से, जैसे कंपोज़र का मैं कॉल लेती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप कंपोज़र की सिंगर हैं, वो जितना मुझे बताते हैं इतना बताया कि इसको इतना ही गाना है तो मैं उतना ही गाती हूँ. मैं उनसे डेफिनेटली उनको ऑप्शंस देती हूँ कि सर ऐसे गा लूँ, ऐसे गा लूँ. उनको अच्छा लगता है तो रखते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो बोलते नहीं 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 हटा दो, बेकार है. नहीं 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 बहस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल कंपोज़र इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं हर चीज़ को लेकर. तो वो खुद बोलते हैं कि आप इसको अपना सॉन्ग समझिए, ये मेरा सॉन्ग नहीं है. मुझे बहुत सारे कंपोज़र्स ऐसा कहा कि तुम गाओ गाना तो इसको अपना गाना समझ के गाओ. तो जब अपना गाना समझ के गाते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि सर यहाँ पे हस्क में गाओ तो कैसा लगेगा, यहाँ पे वॉइस क्रैक कर लूँ क्या. तो वो सब ऑप्शंस मैं देती हूँ, कई बार रखा जाता है, कई बार हटा दिया जाता है. जी हाँ एक्चुअली कई बार तो बहुत आसानी, जैसे आप सैड रहते हैं मान लीजिए कोई बात हो गई, हमेशा तो हैप्पी नहीं रह सकते. और अगर उस टाइम पे सैड सॉन्ग मिल गया तब तो बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब तब कुछ करना नहीं है, जाके बस खड़े होकर गा देना है क्योंकि आप पहले से ही रो रहे होते हैं. बट अगर आप सैड हैं और अगर आपको हैप्पी सॉन्ग गाने का मौका मिल गया वो, तब फिर आपको सोचना पड़ता है, एक्चुअली इवेंट सोचने पड़ते हैं. तो फिर आप सोचते हैं अच्छा हाँ ये मुझे हैप्पी कर सकता है, तो फिर वो सोच करके करते हैं. तो कई बार पर्सनल लाइफ से लेते हैं, कई बार आपको इवेंट क्रिएट करना पड़ता है दिमाग में और फिर गाते हैं. नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई डायरेक्ट टच नहीं हुआ है. वो जो डायरेक्ट टच सिंगिंग से जो हो गया था उसके बाद तो अभी तक नहीं हुआ है और अभी लगता भी नहीं है होगा. ना कि आजकल सोशल नेटवर्किंग बहुत चल रहा है, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, व्हाट्सअप ले लीजिए, कैसा एक ही स्माइल में आदमी को प्यार हो जाता है, वैसे ही डायरेक्ट इश्क के. डायरेक्ट इश्क में हमारे दो किरदार है और जो विक्की शुक्ला और कबीर वाजपेयी प्ले कर रहे हैं और डॉली पांडे हमारी हीरोइन प्ले कर रहे हैं. अब ये दोनों कैरेक्टर कैसे डॉली पांडे से डायरेक्ट इश्क हो जाता है वो आप देखिएगा डायरेक्ट इश्क में. देखिए इसमें काफ़ी कुछ मसाला है आपको, मतलब ये बोलते हैं ना छोटा सा, मतलब जैसे चार आपने पहले मेरी फिल्म देखी होगी माई फ्रेंड गणेश, इसमें मैंने बहुत मैसेज दिए हुए, वैसे इस फिल्म में भी आपको एक अलग तरह का मैसेज मिलेगा कि एक प्यार कैसा होता है. प्यार एक अलग टाइप का भी होता है, एक प्यार किसी आदमी को सुधार देता है और किसी आदमी को बिगाड़ देता है. इसमें आपको वो एक चेंजओवर बहुत अच्छा मिलेगा इस फिल्म में. हाँ मेरी लाइफ में डायरेक्ट इश्क हुआ था, मेरी वाइफ से हुआ था और बहुत खतरनाक वाला हुआ था. देखिए ये फिल्म के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं बनारस गया था घूमने के लिए और मैंने तभी सोचा था कि मैं एक फिल्म यहाँ पर करूँगा. और वैसे जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे प्रदीप शर्मा मिले और उन्होंने ये बनारस की कहानी सुनाई मुझे, और जिस मिस्टर A.M. त्वरा जिन्होंने कहानी लिखी है बहुत अच्छी कहानी लिखी है, मतलब मैं मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन में ही सुनते के साथ ही हाँ बोल दिया कि हाँ ये फिल्म करना है. देखिए मेरी लाइफ में भी डायरेक्ट इश्क हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था स्टोरी से कि डायरेक्ट इश्क होने के बाद क्या क्या होता है. और इस फिल्म में आप देखेंगे घटनाएं का तो ऐसे कि इस फिल्म में काफ़ी घटना हुई थी. इस फिल्म में जैसे कि हमारी फिल्म में हीरोइन को बाइक चलाना आता नहीं था, बाइक चलाई उसने कैसे कैसे उससे चलवाई, पूरी फिल्म में उसको बाइक चलानी थी.
एक सीन था जिसमें अर्जुन घोड़े पे बैठना था, घोड़ा उसको सीधा बैठने ही नहीं दे रहा था, घड़ी घड़ी उल्टा कर दे रहा था। तो फाइनली वो सीन मैंने ऐसे ही शूट किया कि घोड़े पे अर्जुन उल्टा आ रहा है चल के। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं यूनिट के मेंबर का नाम नहीं लूँगा कि एक जगह पे हम लोग महल में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर हमारी एक टेक्नीशियन थी, एक फीमेल टेक्नीशियन थी, जिसके अंदर वाकई में भूत आ गया था और जो पूरी यूनिट में हो अल्लाह मच गया था। मतलब मैंने लाइफ में आज तक कभी देखा नहीं, मैंने पर्सनल अपना वो एक्सपीरियंस बहुत, आज भी सोचते तो बहुत डर लगता है उस एक्सपीरियंस के बारे में। और वो डायरेक्ट हो गया था हमारी एक टेक्नीशियन के साथ में, और किस तरह कैसे उसे वहाँ से निकाला गया, उसके अंदर से उस भूत को निकाला गया, और सबने लाइव देखा हुआ ये। हाँ देखिए, रजनीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरी, उसने एक फिल्म थी माई मैं कृष्णा, उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। इस फिल्म में एक बहुत चैलेंजिंग रोल था, जैसे कि रजनीश को आपने आज तक अंडर प्ले ही देखा होगा, तो इस फिल्म में आप रजनीश को एक अलग ही रूप में देखेंगे, मतलब एक दबंग कैरेक्टर देखेंगे। और उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी रजनीश ने बहुत मेहनत की, हमारा राइटर है AM तोरा जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं, UP से बिलोंग करते हैं, उसके साथ एक महीना रजनीश ने बैठ के मेहनत की हुई है, तब जाके ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत निकल के आया हुआ है। राव अर्जुन बिजलानी जो कि हमारी फिल्म में सेकंड लीड प्ले करे, उसको तो सभी TV पे चाहते थे, सबने TV पे लाइक करते थे, और मैं भी उसका कहीं ना कहीं उसके एक सीरियल का फ़ैन रह चुका हूँ। तो जैसे ही इस कैरेक्टर की बात हुई तो हमने अर्जुन को ही सबने सोचा कि फाइनल करें। देखिए कैरेक्टर एक्चुअली इस फिल्म में कैरेक्टराइजेशन जो करने के जब टाइम आई थी तो बहुत डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि हमें एक दबंग कैरेक्टर चाहिए था। तो जब मैंने प्रोड्यूसर को रजनीश के बारे में बोला तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि रजनीश कर पाएगा कि ये इतना दबंग, लेकिन फाइनली जब उन्होंने ऑन सेट देखा तो उन्होंने भी रजनीश को सलाम कर दिया, इतना अच्छा रजनीश। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी सबसे कहना चाहूँगा कि 19th फेब को फिल्म रिलीज। वेल बेसिकली जब मुझे राजीव ने बोला कि विक इसका म्यूजिक करते हैं तो मेरा अप्रोच कुछ और है, मतलब क्या अप्रोच है, मतलब माय कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर इज सेल्फ ए सिंगर, शी इज अ सिंगर इट सेल्फ, तो थोड़ी डिफरेंसेस गाने चाहिए, नॉट टिपिकली कमर्शियल, नॉट टिपिकली ऑफबीट, उसके बीच में चाहिए। द मूवी सेट इन बनारस, तो मुझे थोड़ी सी फ्यूजन चाहिए, बनारस की टच, टिपिकल बनारसी फ्लेवर्स एंड ऑल, तो मैंने बोला ओके करते हैं। तो बनारस मैंने जब सोचा मैं क्या किया जाए बनारस में समथिंग स्पेशल, सारे रॉक गाने आ चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला कि फीमेल के साथ करना है, तो गंगा मैया मुझे आया याद, तो एक गाना मैंने बोला कि एक गाना करते गंगा मैया पे, तो वी सेट विद तौराज भाई एंड राजीव भाई, फिर हमने फ्यूजन रॉक फ्लो ड्रम्स में गंगा मैया, देन सोचा अब क्या करें, हो गया। तो बोला जब ओके, तो राज भाई ने बोला जब फीमेल कैरेक्टर है तो इस बार लड़कियों पे जो हो रहा है गलत सीधा सही अच्छा बुरा भला, एक गाने की इसके थ्रू सेंड करते इन ए रॉक वे आज के युग के लिए, मेरा किस्सा किया। सो दिस वे सॉन्ग्स वेंट ऑन, बस अभी तो गाने चल भी रहे हैं, थैंक्स टू पीपल दैट पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स, कुछ आठ बस टाइम में भी आए हैं टॉप 10 में, दैट्स इट। सारे फीमेल सॉन्ग्स हैं तो मैं कौन सा, अच्छा मेरा किस्सा एक गाना है जो कि मैं थोड़ा तुमको साला पता नहीं है, लड़की होना खता नहीं है, जितना चक पे हक तेरा उतना ही मेरा हक है, ये चार लाइन थी। वेल देख लिए, टू बी फ्रैंक आजकल बॉलीवुड में म्यूजिक बनाना इट्स बिकम वेरी कमर्शियल, बहुत कम टाइम मिलता है आपको सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का, पीपल डोंट गिव यू दैट फ्रीडम जो पहले मिलता था। बट विद राजीव थिंग्स वेंट डिफरेंट, राजीव ने मुझे बोला तू मुझे जो गाना देगा मैं बोलूँगा, आई वोंट बी चूजी, मेक श्योर इट्स योर बेस्ट, सो थोड़ा सा सर टफ था हाँ टू मेक द सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच।